नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि अभी की जो ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश में आज 20 अगस्त 2020 को 35 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। तो कहाँ के ये पॉजिटिव मामले आए हैं इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बन रही है। अगर आपने अभी तक जो है वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आपकी प्रदेश में 35 नए मामले, जानिए किस जिले में कितने मरीज। तो आगे बताया है कि हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के जो है 35 नए मामले आए हैं। मंडी 18, सिरमौर 11, कांगड़ा 2, चंबा 3 और सोलन में एक पॉजिटिव मामला आया है। सिरमौर जिले में 11 नए मामले जो है पांवटा साहिब, स्तौन और नाहन से आए हैं। आगे बताया है कि वहीं मंडी जिले में भी कोरोना के जो है 14 नए मामले आए हैं। चंबा में 3 नए मामले सामने आए हैं, इसमें 2 लोग डलहौजी व 1 तेसा क्षेत्र से संबंधित है। कोरोना संक्रमित आए सभी लोग सैंपल लेने के बाद जो है होम क्वारंटीन किए गए थे। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है 4472 पहुंच गया है और 1343 जो है एक्टिव सक्रिय मामले हैं। अब तक 3066 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुरुवार को जो है आज 74 और मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना से जो है 22 की मौत हो चुकी है। 21 दिया यहाँ पर, लेकिन एक और हुई है अभी, तो 22 की मौत हो चुकी है, जबकि 40 मरीज जो है वो राज्य के बाहर जा चुके हैं। तो देख सकते हैं आज जहाँ एक तरफ जो है 35 मरीज आए हैं तो 74 मरीज जो है ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी अभी की आज की ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़। अगर आपने अभी तक वीडियो को जो है वो शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करके अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।